ऊपर तो चढ़ने के लिए सीढ़ी नहीं है। नहीं मंगवा लेता हूँ। ठीक है ठीक है, लेकिन स्कूल के पीछे के लिए रास्ता है, पीछे जाने के लिए? पीछे जाने के लिए भी रास्ता होगा, मगर यह कि वो पर्दा कराना पड़ेगा। मैं जो कोई वाड़ू नहीं गलत था। स्टूडेंट एक बैठाओ, चलो अच्छा नहीं है। अच्छा ये क्या है? ये अपना एम्प्लॉई है। तो अच्छा है बाबा थे, ये असान दोस्त है। दोस्त हाँ दोस्त है जी। उतार कर आए थे सर। आपको लग रहा है कुछ हो रहा है? हाँ तो लग रहा है कुछ हो रहा है, इसके अलावा लेकिन जहाँ पर गवर्नमेंट का काम है वहाँ पे कंप्यूटर लैब में। सर सर खुश आयो, मुस्तकबिल जा मामा रहो, तबीयत ठीक है। डियर्स अस्सलाम वालेकुम, हक मौजूद के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सुल्तान दिन। वोकेशनल स्कूल शिकारपुर में, यहाँ पर यहाँ की इंतज़ामिया क्या करती है, स्कूल किस तरह चलता है और क्या है? है तो बहुत कुछ, लेकिन मेरे साथ चलिए, सब कुछ अपने आँखों से देखिए, फिर जिम्मेदारान की गुफ्तगू भी सुनिए कि स्कूल के अंदर जुगाड़ी सिस्टम, जुगाड़ी किस तरह चलाते हैं। मेरे साथ रहिए। अभी हम वोकेशनल स्कूल शिकारपुर के प्रिंसिपल साहब के ऑफिस के बाहर पहुंचे हैं। प्रिंसिपल साहब साईं नादर शाह साहब भी यहां पर पहुंचे हैं, क्लास से अभी बाहर निकले हैं। तो शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साईं, आपसे मिलकर खुशी हुई। बहुत मेहरबानी। लेकिन आगे चलते हैं, क्या होता है जी? तो आखिर में नतीजे में स्कूल विज़िट करने के बाद, आपसे गुफ्तगू करने के बाद हम खुश होकर जाते हैं इंशाअल्लाह, या लोगों को आपके स्कूल के बैकग्राउंड में जो कुछ हो रहा है, जो गलत जो सही लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आप यहाँ पर प्रिंसिपल कब से हैं? मैं अभी रिसेंटली सन 2013 के जून से हूँ, 23 की जून से हुआ। आप जून 2023 से हैं? जून तो शायद बजट नहीं है, ये हाल है। ऐसी बात है, बजट भी नहीं है और अपने जो उसमें है वो कम काम, यहाँ ऐसी लगा हुआ था वो हमने निकलवा दिया। अब प्रिंसिपल साहब की वजह आप सुन रहे हैं कि एसी लगी हुई, इसलिए जाली टूटी हुई है। हाँ। अच्छा ज़बरदस्त, क्योंकि पता नहीं एसी की मेहरबानी है, एसी की मेहरबानी, तब आपके ऑफिस की जाली टूटी है। बिजली है नहीं शहर में, तो एसी लगाने का फ़ायदा क्या? अगर एसी लगाने का फ़ायदा नहीं है तो फिर आपकी जाली क्यों लगी हुई थी? पहले लगी हुई थी। अच्छा, फिर जाली लगाने का आपको फुर्सत नहीं मिली? नहीं, ये तो आप जाली तो टूटी है ना, लगाएंगे। हाँ चलो आगे देखते हैं। ठीक है, ये हो गया। चलो ठीक है, भला स्कूल के अच्छा था। आप बैठेंगे? नहीं बैठेंगे, हम आपसे मिलने नहीं आए हैं। अच्छा, जैसा अभी काम है हमारा। चले बेहतर, ठीक है, छत पे चलेंगे। छत पे क्या चलेंगे? स्कूल की छत पे। वो क्या करेंगे? वो मैं थोड़ा घूमना है। वजह? कोई इन्फॉर्मेशन होगी। कोई किस्सा वाले से इन्फॉर्मेशन? तो चलते हैं ना स्कूल की छत पे। मुझे तो पता नहीं छत के बारे में, आप बताएंगे तो कोई इन्फॉर्मेशन। भले छत में चलना, सीढ़ी नहीं है ना, पर्दा कराना पड़ेगा, उसके लिए सीढ़ी लगानी पड़ेगी, फिर ऊपर चढ़ना पड़ेगा। अच्छा, स्कूल को छत के ऊपर चढ़ने की सीढ़ी? सीढ़ी नहीं है, सीढ़ी। आरसी छत के ऊपर गोबर चढ़ाया है, सिंधी में चंदन गारो। गारो? अच्छा, वो इसीलिए चढ़ाया है कि कोई मेंटेनेंस का काम नहीं हो रहा। हमने 4-5 दफ़ा अपने हेडक्वार्टर को लिखा है कि ये बरसातों के दिनों में ये पूरी डैमेज हो चुकी है रूफ, तो काइंडली ये इनको मतलब रिपेयर करा के दें। तो हमने क्या किया कि उसके ऊपर हमने गारा लगवाया अपनी मदद के, आपके तहत, अपने खर्चे से जी, अपने जेब से, अपनी जेब। कोई बिल्कुल बजट नहीं है, कोटेशन अपने अपने हिसाब से, दोस्तों की मतलब मेहरबानी है जो हमने, मतलब आपने अरेंज किया प्राइवेटली, सरकारी तौर पे कोई बजट नहीं था? कोई नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो हमने वहाँ पे जाली नहीं, गारा नहीं, पहले हमने कलाई बिछवाई है ताकि पानी नीचे ना आए। ये पूरी बिल्डिंग डैमेज हो चुकी थी, तो वो हाँ ये अब आप आए हैं, ये भी मैंने करवाया है, मैंने खुद अपने बजट से। अच्छा, ये छत भी आपने अपने बजट से बनाई है? अपनी जो हमने कंटीजेंसी मिलती है इधर उधर से करके, वो हम उसमें से करें। देखें शाह साहब, दो बातें हैं जी, या तो कंटीजेंसी से या उधर से, अगर सरकारी बजट से आपने बनाई है तो अलग बात है। सरकारी बजट नहीं बनाया, अपने जेब से बनाया, मतलब आपने खुद मैनेज किया, किसी को चंदा किया, कुछ भी किया? किसी से भी किया, एनजीओ से लिया, किससे भी लिया, मैंने करवाया। फिर तो आप शाबाश के मुस्तहिक हैं। वो पानी नीचे ना आए। चलो, अगर ऊपर तो चढ़ने के लिए सीढ़ी नहीं है? नहीं मंगवा लेता हूँ। ठीक है ठीक है, लेकिन स्कूल के पीछे चढ़ने के लिए रास्ता है, पीछे जाने के लिए? पीछे जाने के लिए भी रास्ता होगा, मगर यह कि वो पर्दा कराना पड़ेगा। नहीं नहीं, स्कूल के पीछे चलने के लिए रास्ता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं है, तो चलते चले चले प्लीज। तमरा तवे रिटायर्ड
मुलाज़िम खे ॾिननि उन में जवाड़ो खोलियो आहे, सच न आहे? रिटायर आहे उन हिकिड़ी पंहिंजी में पंहिंजे खीर जे लाइ उनखे उनजे अॼु जे एक्स जेको डायरेक्टर हुयो उन परमिशन ॾींदो, बाबा तूं में रख खीर वीर पंहिंजो तूं हलाए, पंहिंजो गुज़र सफ़र कर, महांगाई आहे। उन हिकिड़ी में पंहिंजे बचनि जे खीर पीअण जे लाइ रखी आहे। रिटायर थी वियो आहे न? रिटायर थी वियो आहे बाबा, उहो त ठीकु आहे, उनखे असां उथारियो आहे, नोटिस ॾिनो आहे। ज़ाहिर आहे उनजा कुझु ड्यूस गवर्नमेंट ॾे रहियल आहिनि, उहे वठी क्लियर। जेसि ताईं गवर्नमेंट खे ड्यूस न ॾे तेसि ताईं वेठो हुजे न, असां थोरे था चऊं, असां हुनखे नोटिस ॾिनो आहे, उथंदो उथंदो बटन घुरिया ताईं उथंदो। तव्हां ॻाल्हि खे उलझायो था पिया? न, मां उलझायां नथो, मां सुलझायां थो। अचो अचो, हा अचो। ॾिसो था न, हीअ हाणे मां कराई आहे कंहिं ऑर्गेनाइज़ेशन खां, असांजो MOU सही थियो आहे फिद ऐं सरसो वारनि सां। उनखे मां इहा डिमांड कई त मां ट्रेनिंग तव्हांजी तॾहिं हलाईंदुमि हिते जॾहिं मूंखे बिल्डिंग ठाहे ॾींदव। बिल्डिंग जो सिर्फ़ु रूफ मूंखे ठाहे ॾींदव, छो जो छोकिरा जो अचनि त घटि में घटि ख़तरे खां ॿार हुजो न। अच्छा, कुल तव्हां स्टूडेंट केतिरा हिन वक़्तु? स्टूडेंट असांजा जेके गवर्नमेंट उन्हनि जे आहिनि प्रोग्राम में तहत, उहे तक़रीबन 8 छोकिरा आहिनि। अंडर प्रोसेस एडमिशन हले थी पई। अच्छा, हू सालनि तव्हां वटि एडमिशन किथे थींदी आहे? असांजी स्टेंस जा 25 सीटां आहिनि, कुल 25 टोटल 25 सीटां आहिनि। इलेक्ट्रिकल ट्रेड आहे, उनमें असां दाख़िला कंदा आहियूं ऐं उनखे मैट्रिक टेक्निक सपोर्ट कयो। तव्हां लोकल हितां जा आहियो, बजाए हिन जे तव्हां अची मोबाइल खणी बीहो था, बाबा हीअ ॻाल्हि हीअ ॻाल्हि हीअ ॻाल्हि, मुख़्तलिफ़ शयुनि ते इशूस ते ॻाल्हायो था। असांजे एडमिशन में बि कुझु असांजी हेल्प कयो। ॻाल्हि इहा आहे त असां मोबाइल खणी इन को धाड़ो हणंदा आहियूं, असां मोबाइल खणी शयूं ॾिसणु सम्झणु ऐं तव्हांजो मौक़ुफ़ु तव्हांजी ज़बानी माण्हू खे ॿुधाइणु। मां त बहितरु थो कयां नी, मां बहितरु थो कयां, अलहमदिल्ला। असां पंहिंजो कुझु नथा सभई तव्हांखे पुछूं था न, ॾिसो न, तव्हां जीअं वाड़े जी ॻाल्हि कई, वाड़ो न आहे, मुंहिंजी हिकिड़ी में आहे जेको खीर पीअण। वाड़ो में कहिड़ो फ़र्क़ु थींदो आहे न, मुंहिंजो मक़सदु आहे उहो ॿी शइ आहे, वाड़ो ॿी शइ, वाड़ो माना 10, 15, 20, 25 में ऐं उनजो कंधु खीर हले, अहिड़ी ॻाल्हि न आहे। पर ॾिसो न, इहो कीअं थींदो, तव्हां सरकारी अदारे में मेहूं रखारायो, प्राइवेट माण्हू मेन आहे, मेन आहे, मेन आहे, हिकिड़ी में आहे, हिकिड़ी में बसि हिकु में, पर प्राइवेट मूं छो रहे सर, उथे थो पियो, ॿ टे ॾींहं घुरिया नोटिस ॾिनो आहे, ॿ टे ॾींहं। चलो, अच्छा, कुल 25 स्टूडेंट। अच्छा, ॿियो अमलो तव्हां वटि केतिरो आहे? असां वटि टीचिंग ऐं नॉन टीचिंग मिलाए करे 21 स्टाफ आहे। 21 स्टाफ, 25 स्टूडेंट्स? 25 स्टूडेंट न, सिर्फ़ ओनली टीचर 2 मतिलबु वोकेशनल सेंटर बि नोटेट कयो आहे, सिर्फ़ु तव्हां हाईलाइट था कयो त 21 स्टूडेंट ऐं उन ते स्टाफ 25 ते 2 टीचर्स आहिनि सिर्फ़ु ओनली, बाक़ी नॉन टीचिंग जंहिंमें सेक्योरिटी। शाह साहब, शाह साहब उर्दू में बि बात करते हैं, ठीकु, सिंधी में बि चलाते हैं बात को, क्योंकि उर्दू सुनने वाले बि हमारे हैं। बात यह है कि 25 पर ईयर आपके स्टूडेंट हुआ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, बिल्कुल ठीक है। अब स्ट्रेंथ 25 की, ठीक है, ठीक है, 17, 18, ठीक है, ठीक है, मतलब 25 पूरे नहीं होते नहीं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उससे ज़्यादा भी हो जाते, ठीक है, मतलब आपकी मतलब 25 के अंदर होते हैं, प्रोसेस शुरू है, लेकिन मतलब आपके बकौल 25 के अंदर होते हैं, ज़्यादा कम होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर ज़्यादा कभी कभी हो जाते हैं, कभी कभी 47 भी आ जाते हैं, 45 भी आ जाते हैं, 32 भी हैं। चलो, अभी कितने हैं? अभी 8 हुए हैं, अभी अंडर प्रोसेस है एडमिशन। चलो, गुज़िश्ता साल कितने थे? 17। गुज़िश्ता साल 17 थे, ठीक, गुज़िश्ता साल 17 थे, 22, ठीक है। अमला है आपके पास प्रिंसिपल से लेकर चपरासी तक 22 21 अमला है, और अमले में सिर्फ टीचर 2 है, देखें, एक प्रिंसिपल, देखें, देखें शाह साहब, देखें, ये अदारा स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है ना, ये पूरे 21 मुलाजमीन स्टूडेंट्स के लिए है ना, राइट। हमारा मकसद, हमारा फोकस देना है, हमारा काम है ट्रेनिंग देना, स्किल प्रोवाइड करना, ठीक है, स्टूडेंट को, यस। अभी समझने की बात और दुनिया को बताने की बात यह है कि जो अदारा 21 मुलाजमीन पर मुश्तमिल है उसमें गुज़िश्ता साल टोटल जो है स्टूडेंट्स थे जिनके लिए अदारा बनाया गया है वो थे 17 है, स्टेंथ 25 ये तो हो गई 17, करेक्ट। अभी अभी आप बात समझ गए, मैं भी समझ गया और सुनने वाले समझ गए, आप भी समझ रहे हैं, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। 25 की स्ट्रेंथ है, 21 आपका अमला है, उसमें टीचिंग ना टीचिंग 2 है, देखें, नोट करें भाई, देखें, ये पूरा अदारा तो है तो स्टूडेंट्स के लिए ना जी,
टीचर्स, प्रिंसिपल, चपरासी, चौकीदार, ये पूरा अमला किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए है। अगर स्टूडेंट ना हो तो अदारा ही ना हो। बिल्कुल ये मैं ठीक कह रहा हूँ। तो स्ट्रेंथ है 25 की, अभी ये बात आपके लेवल की नहीं है, ये बात ऊपर लेवल की है। जिन लोगों ने अदारा बनाया है सिंध हुकूमत ने, 25 की स्ट्रेंथ रखी है और 25 स्ट्रेंथ के लिए उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए, उनको स्किलफुल करने के लिए 21 मुलाजमीन रखे हैं। लेकिन स्टूडेंट की 21 स्टूडेंट्स के ऊपर नहीं है। अच्छा, इदारे के 21 है, उसमें टीचिंग भी है, नॉन टीचिंग भी है। ठीक है, हमारे यहाँ टीचिंग स्ट्रेंथ कम है, शार्टेज ऑफ टीचिंग है। ठीक है, वो हम लिख चुके हैं। हमें सिर्फ 2 टीचर हैं हम यहाँ पे जो काम चला रहे हैं, बाकी हमारे जो अभी जो रिसेंटली प्रमोट हुए हैं 3 टीचर और आए हैं। ठीक है, टोटल हमारे जो टीचर हैं 4 और 2 यानी 6 टीचर हैं हम टोटल यहाँ पे। चलो 6 टीचर मिलाते हैं, फिर आपका टोटल अमला चौकीदार तक कितना? सारे मिला के हाँ 21 है। 21 है, तो बात वही है। तो समझने की बात यह है कि गवर्नमेंट के लेवल की तो 21 मुलाजमीन हैं, लेकिन अदारे में स्ट्रेंथ रखी हुई है 25 की। ये गवर्नमेंट लेवल की कोताही है, गफलत है। इस अदारे की स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए। नहीं, स्ट्रेंथ टीचिंग स्ट्रेंथ बढ़ानी चाहिए। हम लिख चुके और स्टूडेंट स्ट्रेंथ वो हमारे 25 उन्होंने दी है, वो इंशाल्लाह जैसे होगा वो आगे बढ़ता जाएगा सिलसिला। चलो शाह साहब, दूसरा एक सवाल, 25 की स्ट्रेंथ ये भी कम है मेरे ख्याल में, जितने मुलाजमीन हैं, जितना अदारा है। हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत हमारे सेक्शन ट्रेड जो है वो डिज़ाइन हुआ हुआ है ऊपर से कि हर ट्रेड में 25 रखने हैं। वो है आपका यहाँ पे सिर्फ एक ट्रेड है, एक ट्रेड गवर्नमेंट का। ठीक है, एक ट्रेड के लिए इतने मुलाजमीन हैं और एक ट्रेड के 25 पूरे नहीं होते। उसका सबब यह है कि यहाँ पर लोगों की अटेंशन नहीं है। अटेंशन इसलिए नहीं है कि तालीम अवेयरनेस नहीं है। हमने लेक्चर प्रोग्राम दिए हैं मुख्तलिफ स्कूलों में, हाई स्कूल नंबर 1 में गए हैं हम टीम के साथ, हाई स्कूल नंबर 2 में गए हैं। चलो इस्लाम क्लास में चले हैं, चले अभी ये कंप्यूटर लैब है, ये कंप्यूटर लैब है लेकिन अंधेरा है। अंधेरा है इसलिए बिजली कम है। आपको पता है पूरे शहर में मेंटेनेंस का काम हो रहा है आज से तक। कंप्यूटर लैब में अंधेरा हो नहीं तो बंद है, बिजली बंद है। अच्छा, कंप्यूटर चलते भी हैं? हल हैं। स्टूडेंट एक बैठा हो, चलो नहीं है। अच्छा ये क्या है? ये अपना एम्प्लॉई है। तो अच्छा बाबा थे ये असान दोस्त है, दोस्त है जी। उतार का आए थे सर ना? हां ये अच्छा है साहिब, प्रोग्राम में आ सही जे तो दोस्त आ सुन प्रोग्राम में आ सही के प्रोग्राम में प्रोग्राम हो जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम, चलो जवानो खुश आओ, तबीयत ठीक है? सब सोचा भी से कह दोगे माशाल्लाह सर, असा के इलेक्ट्रिशियन जी से क्या मिली भाई? अरे घन महीने जो कोर्स है 60 दिन है सर, 60 दिन जी, 3 महीना, 3 महीना जी। ठीक है, माना 3 महीने जो कोर्स है, तमा जो सरसों तरह बैठा हो। अच्छा, मेलो मतला ये सरसों की जानिब से एक समाजी अदारा है सरसों, SRSO, उसकी जानिब से हमने MOU साइन किया है। ट्रेनिंग प्रोसेस हम प्रोवाइडर हैं, हम ट्रेनिंग देते हैं इन बच्चों को ताकि ये स्किल सीख कर कहीं मुआशरे में जाके। देखिए शाह साहब, आप देखें ना जनाब, ये सारा बजट सरसों का होगा, ये सारा आइडिया सरसों का होगा, ये लेब, ये लोग सरसों के होंगे, ये लोग सरसों के हैं, बच्चे सरसों के हैं। ठीक है, ये एम्प्लॉय हमारे इंटरनल एंगेज है। ये जो ये मटेरियल है ये सारा ये सरसों का है, ये सारा। तो मुझे जो बात करने की समझने की है दुनिया वालों को, जो समाजी अदारे की जानब से किया जा रहा है 3 महीनों के लिए, आपको लग रहा है कुछ हो रहा है? हाँ तो लग रहा है कुछ हो रहा है, इसके अलावा लेकिन जहाँ पर गवर्नमेंट का काम है वहाँ पे कंप्यूटर लैब में अंधेरा था, एक नौजवान बैठा था वो भी इनका दोस्त था। चलो अभी आगे चलते हैं, आगे प्लीज। अस्सलाम वालेकुम नौजवान, चाल दो सर, सर खुश आओ, मुस्तकबिल जा मामा रहो, तबीयत ठीक है? छापा क्यों प्रैक्टिकल कुड़ी मोहिन हुआ तुम गला सर? प्रैक्टिकल पा क्यों ता नालो चाहे जहूर अहमद सर। अच्छा, घना स्टूडेंट नौजवान सर? 5वीं आयो, 5वीं स्टूडेंट आयो, प्रैक्टिकल भी करना हूं और असा लेक्चर उस्ताद दींदो, असा लेक्चर भी कंदा हूं। अच्छा, घणन महीने जो कोर्स आहे? घणन सालनि जो कोर्स आहे? 3 महीननि जो कोर्स आहे। अच्छा, हीअ सरसों जी तरफ़ां? जी हा, सरसों जी तरफ़ां। मैंने कहा कि इतने लोग, इतना काम गवर्नमेंट के अदारे में, ये मुमकिन नहीं है। सो जिंदाबाद सरसों।
लव यू सर सवाल मैं भूल गया, मेरे गवर्नमेंट की ज्यादा बेहतरीन एक्टिविटीज हो रहे हैं जो मुमकिन नहीं है, सिंध गवर्नमेंट और इतने अच्छे काम मुमकिन नहीं है, पर सरसों को सलाम हो, लव यू। नहीं, उसमें सरसों की नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की है, लेकिन आप प्रोवाइडर हैं, प्रोवाइडर, ये सरसों है। छापा के नौजवानों, नौजवान छापा का टीचर हूँ, सिखा पा रही हूँ। अच्छा, ताजा गुड नेम लाल बश्क। लाल बश्क साहब कहे छापा सिखाओ घन महीने जो कोर्स आई कहे तरफ आए सही LPGPA सरसो, मतलब समाजी अदारा सरसो, गवर्नमेंट जहाँ आई रहा नहीं न, गवर्नमेंट अदारे में समाजी अदारे जाए स्टूडेंट्स में नजर अचन था। साईं नादर शाह साहब, ये आइडिया सरसों का, ये हमारा आइडिया है नूह के सरसों का, ये सरसों के हमने प्रोवाइड ट्रेनिंग प्रोवाइडर बार बार अर्ज कर रहा हूँ। ये बजट तो आप सरसों की है, ये गवर्नमेंट की है, अंदर गवर्नमेंट के चार बच्चे हैं अभी इस वक्त आए हुए हैं जो आपको दिखा रहा हूँ। मैं ये बात लोगों को बता रहा हूँ, इनको दिखा रहा हूँ कि भाई समाजी अदारा सरसों उसकी जानब से जो ट्रेनिंग दी जा रही है, क्लास फुल हैं, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लेकिन आपके अदारे में जो जिनका असल काम है वहाँ पर सिर्फ आपके बकौल चार स्टूडेंट हैं। नहीं, अवेयरनेस नहीं, हम जा रहे हैं स्कूल के बच्चे, इनको अवेयरनेस किसने दिया है सरसों को? इनको इनकी अपने सरसों वालों ने एक्मुलेट किया हुआ है, उन्होंने तो ये काम आप भी कर सकते हैं। 17 ग्रेड का एक शाह साहब बात सुने, आप 17 ग्रेड से के हैं ठीक है, 18 ग्रेड का चार्ज ले सकते हैं, ये आप में स्किल है, लेकिन आप में ये स्किल नहीं है कि आप लोगों तक जाएं अवेयरनेस पैदा करें। है गवर्नमेंट ऑफ सिंध के जो जनरल एजुकेशन के इदारे हैं ना, स्कूल्स, वहाँ के एफए हजरात जो है ना, वो अपने बच्चे देने को तैयार नहीं है हमें, ये चीज़ आप नोट करें ठीक, इनको देने के लिए तैयार हैं। ये सरसों भाई क्या किसने आपने कहा सिलेक्शन किए, गाँव में सिलेक्शन हुई है, गाँव की सिलेक्शन हो सकती है, शहर की क्यों नहीं जा सकता? शहर की क्यों नहीं दिशा गाँव में? मैंने अवेयर दिया है, अनाउंसमेंट की है। साहब शहर के लोग आसान है ज्यादा, घटी साहब आ जाए घटी ना मारे ना। अस्सलाम वालेकुम सरसों जो बला सरसों वाले जैसो जी, आगे चलते हैं जी। सरसों तो जिंदाबाद है, वैसे बात आपकी है। अच्छा, गवर्नमेंट दिखाओ, गवर्नमेंट दिखाओ, गवर्नमेंट जो वॉशरूम है एक गवर्नमेंट ही ठहराया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास छोकरन के प्रोवाइड किया था फैसिलिटी पूरे स्कूल में। वोकेशनल सेंटर में एक वॉशरूम है मेरे ख्याल में, ठीक बना हुआ है, लेकिन बना सब था ठीक है, बिल्डिंग रेनोवेट हुई है, कैमरा की आंख से हमारे आंख से अच्छा लग रहा है, लेकिन स्मेल आ रही है कुछ नहीं, थोड़ी जाहिर सफाई ये देख रही बच्चा है, लेकिन स्मेल आ रही है, शाह साहब ने बेतराफ किया है, बिजली आ गई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सबको वालों का शुक्रिया, बाकी अदारे का हाल नहीं है, सबका है शुक्रिया, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का शुक्रिया जिन्होंने ये ट्रेनिंग तबाही की हुई है, जिन्होंने ये ट्रेनिंग दी हुई है हमें जी, क्योंकि उन अंधेरा किया हुआ है, चार स्टूडेंट है कुल और 21 का अमला है, 25 की स्ट्रेंथ है, ये किशन गवर्नमेंट के वोकेशनल इंस्टीट्यूट शिकारपुर में क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ आपने देखा, यानी कि सिंध गवर्नमेंट उसके अदारे कबाड़ खाना तबाही और बर्बादी के सवा आपको कुछ नहीं मिलेगा, फैसला आप पर है कि क्या किस तरह कौन क्या करता है। ज़रूरत इस अमर की है कि सिंध गवर्नमेंट जो माजी में सरदारी राज के हवाले था, अब निगरान सरकार है, निगरान सरकार से उम्मीद लगाई जा सकती है कि वो शिकारपुर का ये वोकेशनल इंस्टीट्यूट हो या दीगर अदारे हों जिनको तबाह बर्बाद किया गया है, जहां पर बद इंतज़ामी की इंतहा की गई है, नोटिस लेंगे, एक्शन होगा, बेहतरी के लिए इकदाम उठाए जाएंगे। इस उम्मीद के साथ अपने मेज़बान सुल्तान हिंद को दीजिए इजाज़त, सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद।